हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे पोई साग। उसके लिए मैंने कुकर लिया, इसे गरम किया, इसमें डाला मस्टर्ड ऑयल और मैंने इसमें डाला चिलीज चॉप्ड किए हुए और मस्टर्ड सीड्स। मस्टर्ड सीड्स जैसे ही चटकने लगे मैंने इसमें डाला गार्लिक चॉप और इसे 2 मिनट के लिए पका लिया जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। कलर चेंज होते ही मैं इसमें डालूंगी प्याज और इसे भी तब तक पकाऊंगी लो फ्लेम में जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। प्याज के कलर चेंज होते ही मैं इसमें डालूंगी लगभग 1 कटोरी कटे हुए चॉप किए हुए कच्चे आलू और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पका लूँगी। 2 से 3 मिनट के बाद मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच लगभग हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लगभग सॉल्ट और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। 2 से 3 मिनट के पकाने के बाद मैं इसमें डालूँगी टमाटर चॉप किए हुए और इसे भी अच्छे से 2 से 3 मिनट तक पका लूँगी लो फ्लेम में। तो चलिए पका लेते हैं। मैंने 2 से 3 मिनट तक पका लिया था। अब मैं डालूँगी इसमें पोई साग के पत्ते। इसे मैंने अच्छे से धो लिया था और काट लिया था छोटे छोटे टुकड़ों में। अब मैं इसे भी टमाटर के सबके साथ डाल के अच्छे से एक बार मिक्स कर लूँगी। अब हमें डालना है लगभग इसमें 1 चम्मच कोरिएंडर पाउडर और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी हमारे पोई साग में। आपको ये सारा प्रोसेस आपको लो फ्लेम में करना है या तो मीडियम फ्लेम में भी कर सकते हैं। अब मैं डाली इसमें लगभग 2 से 3 ग्लास पानी और इसे मैंने 2 से 3 सीटी तक अच्छे से पका लिया। देखिए हमारा पोई साग बनके रेडी हो चुका है। तो चलिए आप एंजॉय कीजिए।